दिल्ली के आजादपुर मंडी में लपटों ने लोगों को सांस थामने पर मजबूर कर दिया, क्यों इस रिपोर्ट से समझिए। भीषण आग से तबाही जैसा मंजर है। तस्वीरें दिल्ली के आजादपुर मंडी की है। शुक्रवार की शाम को अचानक आग लगने से एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी दूधू का जलने लगी। भयानक आग की लपटों को देख पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग ने सबसे ज्यादा तांडव टमाटर मार्केट में मचाया है। इस भीषण अग्निकांड से करीब 5 करोड़ की सब्जियां जलकर खाक हो गई है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन मार्केट संघ के खिलाफ व्यापारियों में नाराजगी है। ये आग इतनी भयंकर थी कि यहाँ पे जितनी भी थी करोड़ रुपए की क्रेट जल गई है। उसमें टमाटर जो किसान का था, 200 किसानों का टमाटर जल गया। तो 4-5 करोड़ से ऊपर का नुकसान होगा। अभी कैलकुलेशन जब की जाएगी, जब पता चलेगा हमें कितना नुकसान हुआ है। सब होपलेस हुए हैं। ठगी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन यूपी के इस ठग के कारनामे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ठग ने 14 जिलों में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, इस जालसाज ने, जिसका नाम पंकज पोरवाल है, 4 राज्यों में अपने फर्जीवाड़े का जाल बिछा कर रखा था। जो इसके झांसे में आता गया वो फंसता चला गया। अभी कुछ दिन पहले जब इस ठग को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, तो इसने महज 14 फर्जी कॉलेजों की फ्रेंचाइजी और 1000 स्टूडेंट्स को फर्जी डिग्रियां बांटने की बात कबूल की थी। लेकिन जब पुलिस ने आगरा पहुंचकर ऑफिस की छापेमारी की, तो इसका कारनामा देखकर हर कोई दंग रह गया। इसने यूपी के अलावा 4 और राज्यों में 109 फर्जी कॉलेज खोले हुए हैं। ऐसे 109 कॉलेजेस की जानकारी मिली है, फर्जी फ्रेंचाइजी देकर के चलाए जा रहे थे। इस जालसाज ने साल 2013 में अपने बोर्ड का रजिस्ट्रेशन एनसीटी दिल्ली चिट फंड से कराया था, जिसमें 13 पदाधिकारी थे जो इस ठग के ही रिश्तेदार हैं। बहरहाल, पुलिस अब आरोपी की फरार पत्नी और भाई की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इधर पंजाब के तरन तारण में एक एसएसपी के तबादले पर सियासत गर्मा गई है, कैसे देखिए। तस्वीरों में देखिए, पंजाब के तरन तारण में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी एक एसएसपी पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। जिप्सी पर खड़े गुरमीत सिंह चौहान पंजाब सरकार में आईपीएस है और 2 दिन पहले तरन तारण के एसएसपी हुआ करते थे, जिन्हें एमएलए मंजिंदर सिंह लालपुरा से पंगा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें उनकी विदाई समारोह। दरअसल, आम आदमी पार्टी के एमएलए मंजिंदर सिंह के रिश्तेदार निशांत सिंह को माइनिंग के आरोप में एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान ने पकड़ा था। बदले में एसएसपी गुरमीत सिंह का तरन तारण से ट्रांसफर हो गया और 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। इस विवाद के बाद पंजाब में राजनीति गर्मा गई है। मामले में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार पर बड़ा हमला किया है और मान सरकार पर माइनिंग माफिया का साथ देने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी दे स्टैंड करप्शन के साथ, इलीगल माफिया, माइनिंग माफिया के साथ। आपका दूसरा नाम करप्शन, इलीगल माफिया, माइनिंग माफिया। विक्रम अजीतिया के आरोपों और एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान के ट्रांसफर के बाद मान सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दिल्ली में हुई बड़ी चोरी का खुलासा हो गया है। जो चोर है वो एक चुनावी राज्य में जाकर मिला है। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को मालूम चला है कि आरोपी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छिपा है। अब सबसे पहले घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज पर गौर कीजिए। चोरी वाले दिन ज्वेलरी शोरूम में एक नकाबपोश शख्स घूमता नजर आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका आरोपी लोकेश श्रीवास्तव है। दिल्ली पुलिस ने लोकेश को सर्विलांस के जरिए ट्रैक करके छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दबोचा है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में सबसे बड़े लूटकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी लोकेश कश्मीरी गेट से बस पकड़कर सड़क मार्ग से फरार हो गया था। इंटरोगेशन में किसी ने बताया है कि इसमें एक एक्यूज जो फाइनली पकड़ा गया, उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं बड़ा काम करने के लिए। पुलिस ने खुलासा किया है कि लोकेश श्रीवास्तव एक हिस्ट्री शीटर शातिर चोर है। आरोपी के घर से चोरी के सोने के साथ करीब 12.5 लाख कैश बरामद हुआ है। सेंसर बोर्ड सवालों में घिर गया है और इस सारे मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट देखिए।
दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर विशाल ने CBFC यानी हिंदी सेंसर बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्टर विशाल का आरोप है कि उनकी फिल्म मार्क एंटनी को हिंदी वर्जन कराने के लिए CBFC की अनुमति जरूरी थी, जिसके लिए उन्हें बोर्ड को 6.5 लाख की घूस देनी पड़ी। एक्टर विशाल के आरोप के बाद इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने मामले में CBI जांच की मांग की है। देखिए, ये आरोप बहुत गंभीर है और हमारी इंडस्ट्री के लिए काफी सीरियस मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। इसीलिए क्रीडा ने एक लेटर लिखी है अनुराग ठाकुर साहब को और प्रसून जोशी जी को कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। एक्टर विशाल ने महाराष्ट्र के CM शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं एक्टर विशाल के आरोप के बाद पूरे फिल्म जगत में खलबली मची हुई है। ABP News आपको रखे आगे।